जलंधर में एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया है। पीएपी के गेट पर ड्यूटी दे रहे एएसआई की गोली लगने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पीएपी के गेट नंबर 3 पर एएसआई परमजीत सिंह ड्यूटी दे रहे थे। बंदूक नीचे गिरने से अचानक चली गोली से उनकी मौत हो गई। गोली सीधा उनकी आंख पर जाके लगी थी, जो कि सिर के पार हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। एसीपी कैंट मेजर सिंह व एसएचओ कैंट अजायब सिंह मौके पर हैं। परमजीत पीएपी के अंदर ही क्वार्टर में रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। बता दें कि एक हफ्ता पहले थाना डिवीजन नंबर 1 में आते विवेकानंद पार्क के नजदीक भी एक विवाद में गोली चली थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। जलंधर से ईशान जुनेजा की रिपोर्ट। जिसे उत्ते एस एच ओ साहब अडिशनल एस एच ओ साहब समेत मेरे जो असी मौके पर पहुंचे है मौके के उत्ते अपने आई जी साहब भी डी ए पी आई एस साहब जी डी पी साहब के सीनियर अफसर मौजूद सन जिड़ा कि मौके की घटना असी देखी आ उस जोड़ा ये अपने इंचार्ज जोड़ा इतने गारदा है उन्होंने बैठे अपने जी वधियापूर्ण माहौल गल् करते अचानक जी इन की जी कारबाइन हैगी जो मोटे पहले पटा खुल गया तो खुलने के नाल थले जी सीमेंटड जगह हैगी बनी हुई है बजरी की बजन के नाल जी अचानक यदि गोली चली हैगी जी उपर सी सी टी कैमरे लगे हैगे उन्होंने कार होती है और गोली चलते सार ही जी सज्जी अख की लग के नोज़ के नाल जी सैल में निकल गई हैगी जी मौके के उत्ते वीडियो भी जी तुम भी असी शेयर की हैगी और सरकमस्टांसिस बाद जो इंचार्ज साहब नाल ही चक्कर लग पे जो कोई वीडियो देखते हैं एक अनएक्सपैक्ट बहुत माड़ी घटना वापरी हैगी जिहड़ा बंदे नूं किसी टाइम मतलब ये भी कह लो भी आप हसदे वसदा परिवार को कुछ नहीं पता लगता भी साढ़े नाल अगले पल में की होने वाला है बहुत माड़ी घटना हुई हैगी जिहड़े दस दे मौके पर आके किया भी ये अते 10-15 मिनट रह गया सीधी ड्यूटी समा खत्म होने वे क्योंकि जिहड़ियां इत्थे शिफ्टां विच ड्यूटियां चलदियां हैगियां ये नहीं पता बंदा इंसान सोचता भी मैं हुण आ करूँगा वह करूँगा जिहड़ा अचानक जिहड़ी उहनूं ये नहीं पता सी भी मैं अज घरों तुरिया तो मैं अज घर वापस जाना नहीं हैगी बहुत माड़ी घटना वापरी परिवार इन्हां दा इत्थे क्वार्टर दे विच ही रहिंदा हैगा इन्हां दे बेटा भी मौके दे उत्ते आया सी वाइफ भी थोड़े जिहे हैगे आ सिस्टम अपसैट नैचुरली बंदा हो जांदा हैगा ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪੀ ਐਸ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1965 ਦਾ 55 ਸਾਲ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੌਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਬਠਿੰਡਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਗਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਰਾਈਫਲ ਡਿੱਗੀ ਜੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।